नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक प्रेमी और एक पति में क्या अंतर है? हालांकि दोनों का रिश्ता ही प्यार से है, इन दोनों में अंतर क्या है कभी आपने सोचा है? नहीं सोचा तो आज मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों एक प्रेमी वो है जो घुटनों पर बैठकर प्रेमिका को फूल अर्पित करता है और जिंदगी भर घुटनों पर ही रह जाता है, लाख कोशिश करने के बाद भी अनलॉक नहीं हो पाता है, अपने आप को खड़ा नहीं कर पाता है। वो पति बनने में तो सफल हो सकता है पर ता जिंदगी घुटने यूं ही मुड़े रहते हैं और लाख कोशिश करने के बाद भी कभी सीधा नहीं हो पाता है। जब एक बार आप प्रेम में समर्पण करते हैं तो उसके बाद आत्मसमर्पण हो जाता है और ये आत्मसमर्पण सर्वस्त्र समर्पण में कब बदल जाए इसका कोई अंदाजा आपको होता ही नहीं है। और एक पति जिसे समाज की अनुमति से प्यार मिलता है, माँ बाप जिसके लिए अच्छे से अच्छा करते हैं, उसके माइंड सेट होने से लेकर उसके जॉब से लेकर उसके अपने नेचर विचारों के अनुसार कन्या ढूंढ कर देते हैं, वो समाज में प्रेमी से अलग होता है। उसको वो सम्मान मिलता है जो प्रेमी होते हुए शायद कभी ना मिल पाए। हालांकि ये कोई जरूरी नहीं है कि एक प्रेमिका और प्रेमी अच्छे पति नहीं हो सकते हैं, लेकिन इस आधुनिक युग में आजकल ज्यादातर यही देखने को मिल रहा है। अपनी पसंद से लोग शादी करते हैं। अपनी पसंद से शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, करनी चाहिए, लेकिन उसको निभाने के लिए आमतौर पर आपको जो करना चाहिए उससे आपको संतुष्ट चले जाते हैं। इसलिए परिपक्व होने पर, ज्ञानवान होने पर, अपना कैरियर बनाने के बाद ही ऐसे स्टेप उठाएं। और जब समाज या परिवार आपकी शादी करता है तो पत्नी जीवन भर आपकी सेवा करती है, आपकी बनकर रह जाती है, क्योंकि समाज ने जो रिश्ता आपको दिया है, जो प्यार आपको दिया है, वो कहीं ज्यादा समर्पित होता है आपके प्रति और आपका सम्मान कभी भी कम नहीं होने देता है। आपको घुटनों के बल बैठने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि इसमें अतिशोक्ति हो सकती है क्योंकि पांचों उंगली एक बराबर नहीं होती हैं, लेकिन आजकल के आधुनिक युग में ज्यादातर जो घटनाएं हो रही हैं मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ। प्रेमी प्रेमिका होना बुरी बात नहीं है, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी जरा सोचिए कि एक पति पत्नी जो समाज की अनुमति से बनते हैं, घर वालों के देखने भालने के बाद बनते हैं, उसमें ज्यादा सुख है क्योंकि वो एक परिवार की कसौटियों पर खरा उतरने के बाद मिलता है। और प्रेमी प्रेमिका आप तब बनते हैं जब आपको बहुत ज्यादा अकल नहीं होती है, उस समय सिर्फ खूबसूरती में या जज्बातों में आप बह जाते हैं। तो परिपक्व होने के बाद अगर प्यार करेंगे और परिपक्व होने के बाद आप शादी करेंगे तो पति और प्रेमी में कोई अंतर नहीं होगा, लेकिन वक्त से पहले मिलने वाली चीज हमेशा दुखदायी होती है। समय पर चौका मारना सीखिए। अपने आप को इतना गुणवान, इतना प्रतिष्ठित और इतना मजबूत बनाइए, अपने कैरियर को इतनी ऊंची चोटी पर ले जाइए कि एक अच्छे से अच्छा प्यार आपकी तरफ चलकर आए। अगर आप परिपक्व नहीं हैं, जीवन को नहीं समझते हैं, तो प्रेमी कभी भी पति के बराबर सम्मान का हकदार नहीं बनता। मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, मेरे उन पॉइंट्स को, उन माइंडसेट को समझने की कोशिश कीजिएगा जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर समझ में आ जाए तो इसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।